शेयर बाजार में आज हफ्ते के पांचवें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 16 अगस्त को तेजी देखने को मिल रही है, जहां सेंसेक्स 850 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 79,981 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की तेजी है, ये 24,390 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 48 में तेजी और 2 में गिरावट है। वहीं आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी और 1 शेयर में गिरावट है। वहीं गौर करें आईटी सेक्टर्स पर, तो एनएसई की सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 2% की तेजी है। ऑटो, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, मेटल और हेल्थ केयर समेत सभी सेक्टर्स में तेजी दिखाई दे रही है। वहीं अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों का हालचाल। अगर बात करें एशियाई बाजार की, तो एशियाई बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। जापान के निक्केई में 2.92% की तेजी है, हांगकांग के हैंगसेंग में 1.73% और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.092% की तेजी है। तो वहीं कोरिया के कोस्पी में भी 1.79% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें अमेरिकी बाजार की, तो अमेरिकी बाजार का डाओ जोन्स 1.39% बढ़कर 40,563 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेस्डेक भी 2.34% चढ़ा, ये 17,594 के स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 की बात की जाए, तो S&P 500 1.61% बढ़कर 5,543 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने 14 अगस्त को 17,565 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII ने 12,269 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, यानी विदेशी निवेशकों ने बुधवार को बिकवाली की थी। आपको बता दें कि शेयर बाजार कल यानी गुरुवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के चलते बंद रहा था। इससे पहले बाजार में बुधवार यानी 14 अगस्त को तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 150 अंकों की तेजी के साथ 79,065 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी की बात की जाए, तो निफ्टी में भी सिर्फ 4 अंक की तेजी रही थी, ये 24,143 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी के 50 शेयरों में से 24 में तेजी और 26 में गिरावट रही थी। वहीं सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 शेयरों में गिरावट रही थी। वहीं हम आपको बताते हैं कि 14 अगस्त के दिन मार्केट में टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स कौन रहे थे। आपको बता दें कि TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा 14 अगस्त को निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे थे। वहीं डिवीज लैब, हीरो और कोल इंडिया निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे थे। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।